अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपके पास इंटरनेट है, मोबाइल है या फिर लैपटॉप है या फिर इन तीनों चीजों में कुछ भी है, तो आप घर बैठे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। और जब मैं अच्छे खासे पैसे की बात करता हूं तो वो हजारों में नहीं, लाखों में होता है। आप एक अनएम्प्लॉयड पर्सन हो, आप एक हाउस वाइफ हो, आप एक स्टूडेंट हो या फिर आप एक ऐसे बंदे हो जिसके पास कोई हाई प्रोफाइल स्किल नहीं है, जिसके वजह से आज वो अनएम्प्लॉयड बैठा हुआ है और नौकरी की तलाश में है, पैसे कमाने की तलाश में है, तो आज की इस वीडियो आपके लिए होने वाली है। बिकॉज आज की इस वीडियो मैं कुछ ऐसे तरीके लेकर आया हूं, मैं कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म लेकर आया हूं जिसका आप यूज करके अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। और इस वीडियो की सबसे बड़ी खासियत ये होने वाली है कि यहां पर जो मैं तरीके आपको बताने वाला हूं उसमें ना तो कोई आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा, ना तो कोई आपका कोई पैसा लगने वाला है। इसमें आपकी सिर्फ एक चीज लगने वाली है जो कि आपके पास बहुत है, और वो है टाइम। टाइम आपके पास इसमें बहुत है और आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो अगर ये मेरी आप वीडियो शुरुआत से लेकर लास्ट तक पूरी देखते हो। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को हम चालू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप जो चार तरीके मैं आपके लिए फाइंड आउट करके लाया हूं उसके बारे में आगे चल के बात करते हैं। लेकिन वीडियो चालू करने से पहले मैं आपसे दो छोटी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। पहली, इस चैनल पर डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, मेक मनी ऑनलाइन या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग जैसी एजुकेशनल वीडियोस आती रहती है। अगर आपको इन पांचों टॉपिक में से किसी भी टॉपिक में इंटरेस्ट है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दूसरी रिक्वेस्ट, अगर आपने मुझे तक मेरा अभी इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहां मुझे जाके फॉलो कर लीजिए, बिकॉज ऐसी वीडियोस को लेकर, ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स को लेकर और ऐसी इन्फॉर्मेशन को लेकर मैं वहां भी आता रहता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए चालू करते हैं। अपनी वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आपने अभी तक मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो पहले इस वीडियो को उन तक शेयर करिए, बिकॉज अगर आपके फ्रेंड अभी प्रेजेंट टाइम पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या फिर झेल रहे हैं तो हो सकता है मेरी ये वीडियो देखने के बाद उनकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। जाइए जल्दी करिए। हमारा पहला तरीका आता है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग का मतलब होता है किसी दूसरी कंपनी या फिर किसी दूसरे इंडिविजुअल के लिए काम करना और घर बैठे पैसे कमाना। आप किसी दूसरी कंपनी से या फिर किसी दूसरे इंडिविजुअल से प्रोजेक्ट्स को फाइंड करके उठा सकते हो और उनके काम करके उनको डिलीवर करवा के अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। अगर मैं यूएस की बात करूं तो यूएस में प्रेजेंट टाइम पे 30% से भी ज्यादा लोग आज फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और अपना जीवन यापन चला रहे हैं, अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, इस इंडस्ट्री की बात करूं, तो आज ये इंडस्ट्री $30 बिलियन की हो चुकी है जो कि आने वाले समय में बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। अगर मैं फ्रीलांसिंग की बात करूं तो इसमें ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज है जिस पर आप वर्क करके अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, जैसे कि फोटोशॉप हो गया, वीडियो मार्केटिंग हो गई, वॉइस मार्केटिंग हो गई, वेबसाइट डिजाइनिंग हो गई, वेबसाइट मेकिंग हो गई, और भी बहुत सारी ऐसी कैटेगरी जिस पर आप वर्क करोगे तो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। लेकिन इस पे वर्क करने के लिए पहले आपको ये सब स्किल्स आनी चाहिए। अगर आपको इन सब स्किल्स की नॉलेज नहीं है, ये सब स्किल्स नहीं आती हैं, तो पहले आप इन स्किल्स को सीखिए, बिकॉज अगर आप इन स्किल्स को सीख लेंगे तो इसका स्कोप क्या है मैं आपको बता चुका हूं। इसकी इंडस्ट्री ऑलरेडी $30 बिलियन की हो चुकी है, तो आप सोच सकते हैं कि आप कितना अच्छा खासा रेवेन्यू इसके लिए जनरेट कर सकते हैं। लेकिन बाद में क्वेश्चन ये आता है कि भाई तुमने ये तो बता दिया कि भाई ये सब काम करने हैं मुझको, लेकिन इसके लिए प्रोजेक्ट्स कहां से उठाऊंगा, इसके लिए क्लाइंट कहां से लाऊंगा जो मुझे काम देंगे और मैं काम उनको पूरा करके डिलीवर करवा के पैसे कमाऊंगा। तो ये कुछ वेबसाइट्स हैं, यहां पर आप इजिली जाकर साइन अप कर सकते हैं, अपना प्रोफाइल जनरेट कर सकते हैं और यहां से अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग जो चीजें आपने सीखी हैं और जो चीजें वो मांग रहे हैं उसके अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट्स को उठा के अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अब हमारा दूसरा तरीका आता है ऑनलाइन टीचिंग। जब मैं टीचिंग की बात करता हूं तो सिर्फ टीचिंग में 11th, 12th, बीकॉम, बीबीए, आईआईटी, जेईई ऐसे बहुत सारी चीजें आती हैं, तो सिर्फ यही सब नहीं होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके अंदर आपके अंदर स्किल्स है तो आप सिखा सकते हो। ऑनलाइन टीचिंग में मैं पहला प्लेटफॉर्म की बात करूंगा यूट्यूब। अगर आप यूट्यूब के बारे में सुनते होंगे तो यूट्यूब पे आप क्या कर सकते हैं, वीडियो क्रिएशन कर सकते हैं। जिस तरह मैं वीडियो बना के आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं, इसी तरह आप देखिए कि आपके अंदर क्या स्किल है, आपके अंदर क्या टीचिंग कैपेबिलिटी है कि आप लोगों को बताकर, उनको वीडियो समझाकर अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो फ्यूचर में अगर मेरी वीडियो में जो एड्स चलते हैं तो उस एड से मैं अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करने वाला हूं। तो बेसिकली आपको अपना स्किल देखना है, आप मुझे टीचिंग कैपेबिलिटी देखनी है कि आप योगा सिखा सकते हो, आप स्पोर्ट्स सिखा सकते हो, आप आर्ट सिखा सकते हो, आप कुछ भी सिखा सकते हो यूट्यूब पे आके। ये एक फ्री प्लेटफॉर्म है, यहां पर ना तो कोई आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा, ना तो यहां पर आपको कोई बहुत बड़े
सारे इक्विपमेंट चाहिए। आज अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो जिस वीडियो को आप देख रहे हो, मैं वीडियो मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, ना तो मेरे पास कोई माइक है ना तो कुछ है, तो क्या है, मेरी यहाँ पर नो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन जब मेरी यहाँ से अर्निंग होगी तो बहुत अच्छी खासी होने वाली है। दूसरा प्लेटफॉर्म आता है यूडमी, टीचेबल, ट्यूटर मी, ये सब ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर अपना ऑनलाइन कोर्सेज को बेच सकते हो। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है जो कि आपका ऑनलाइन कोर्सेज खरीदते हैं, और जब ऑनलाइन कोर्सेज खरीदते हैं तो आप यहाँ से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। तो बेसिकली आपको ये देखना है कि आपका स्किल सेट क्या है, आप क्या पढ़ा सकते हो, आप क्या लोगों को गाइडेंस दे सकते हो। तो ऑनलाइन टीचिंग बहुत तेजी से आगे जाने वाला है और बहुत तेजी से आगे जा भी रहा है, तो इसमें आपको अपनी अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है और अच्छे खास तरीके से रेवेन्यू को जनरेट करना है। चाहे आप वो यूट्यूब पे वर्क करके करें, चाहे आपको जो प्लेटफॉर्म्स मैंने बताए इन प्लेटफॉर्म पे जाके वर्क करें। अब हमारा तीसरा तरीका आता है सोशल मीडिया हैंडलिंग। जब मैं सोशल मीडिया हैंडलिंग की बात करता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ मैं, लाइक यहाँ पर इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट और भी जो बहुत सारे सोशल मीडिया है उसकी बात करने जा रहा हूँ। ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है जो कि अपना सोशल मीडिया तो रखती हैं, लेकिन सोशल मीडिया को सही तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं करती हैं, सोशल मीडिया पे सही तरीके से वर्क नहीं करती हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए होने वाली है। आपके लिए कैसे, आप जो कंपनीज है, आप पहली बात तो कंपनीज का सोशल मीडिया फाइंड करिए कि ऐसी कौन सी कंपनी है जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है, और ऐसी कौन सी कंपनी है जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है लेकिन अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर रही है। जो कंपनी अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर रही है उसको मेल करिए, उसको बताइए कि मैं एक प्रोफेशनल बंदा हूं, मेरा यह सब चीजें हैं, मैं आपका सोशल मीडिया हैंडलिंग कर लूंगा। और सोशल मीडिया हैंडलिंग करने में क्या होता है, आपको पहली बात तो एक फोटोशॉप आना चाहिए, मतलब आप एक पिक्चर डिजाइन कर पाओ, कुछ कैप्शन अच्छे खासे लिख पाओ और उसको रेगुलर वे में पोस्ट करके फॉलोवर्स बढ़ाते रहो, लाइक्स बढ़ाते रहो, बस एक छोटा सा काम होता है। और क्या आप जानते हैं इस छोटे से काम के लिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है कितना चार्ज करती है, 1.5 से 2 लाख पर मंथ। आप एज्यूम कर सकते हो कि बस इतने छोटे से काम के लिए, एक सोशल मीडिया हैंडलिंग करने के लिए क्या होता है यार, इंस्टाग्राम होता है, फेसबुक होता है, स्नैपचैट होता है, और क्या है, तुम मेरे को बताओ, तुम मुझे बताओ क्या क्या कर लोगे। तो क्या इसके लिए आप घर बैठे 1.5 से 2 लाख रुपए चार्ज कर सकते हो? तो आप इजिली गूगल पे जाओ, सर्च करो कि हम किस तरह सोशल मीडिया हैंडलिंग के प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, हम किस तरह एज अ प्रोफेशनल शो करके सोशल मीडिया हैंडलिंग कर सकते हैं और अपने आप के लिए रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं जो कि हमारा फ्यूचर बिल्ड कर सके। अब हमारा चौथा तरीका आता है ट्रांसक्राइबिंग। जब मैं ट्रांसक्राइबिंग की बात करता हूं तो ये ऐसे वर्क करता है, इसमें बेसिकली क्या करना होता है, आपको ऑडियो सुन के उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है और उससे अच्छे खासे आप पैसे कमा सकते हैं, मतलब ऑडियो टू टेक्स्ट एंड अर्निंग मनी। अगर मैं आपसे कहूं कि आप इंडिया में बैठे बैठे डॉलर्स में अर्निंग कर सकते हैं, हर घंटे $15 कमा के दिन के 5 घंटे काम करके और 30 दिन काम करना है, जब ये कैलकुलेट करोगे तो इसका पूरा टोटल आता है $2,250। और $2,250 जब इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करोगे ना और जब कैलकुलेटर में देखोगे तो आपका मुंह खुला खुला रह जाएगा, बिकॉज इतना पैसा लोग यहां पर वर्क करके नहीं कमा पाते हैं जो कि आप घर बैठे इंडिया में रहकर डॉलर्स में अर्न करने वाले हो। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, कुछ आपको वेबसाइट शो हो रही होगी स्क्रीन पर, इन वेबसाइट पर जाकर साइन अप करना है और वहां से प्रोजेक्ट्स को फाइंड करना है। इसमें क्या होता है, आपको ऑडियो सुनकर उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके जो फाइल्स होती है उन्हें प्रोवाइड करनी पड़ती है वेबसाइट को। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें कैटेगरी के हिसाब से लोग पैसे कमाते हैं, मेडिकल और लीगल, ये दो एक ऐसा डिपार्टमेंट इसमें होता है जिसमें कि अच्छा खासा लोग रेवेन्यू जनरेट कराते हैं, बिकॉज इसमें जो पैसे का रेंज होता है बहुत हाई होता है, इसमें कंपनीज आपको अच्छा खासा पैसा पे करती हैं। तो इसमें आपको देखना है कि आपका स्किल सेट क्या है, इसमें स्किल सेट की कोई जरूरत ही नहीं है, बेसिकली आपको ये शो करना है कि आपको ऑडियो सुनना है, उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है और सबमिट करके डॉलर्स में अर्निंग करनी है सिर्फ इंडिया में बैठे बैठे। सो गाइस, आई होप जैसा कि आपने देखा मैंने आपको किस तरह ऐसे चार तरीके बताए जिससे आप इंडिया में बैठे बैठे डॉलर्स में अर्निंग कर सकते हो, INR में अर्निंग कर सकते हो और अपनी लाइफ को एक लविश बना सकते हो और अपनी जिंदगी को फाइनेंशियल फ्रीडम बना सकते हो। अगर आपको मेरे चार तरीके एक्चुअल तरीके में समझ आए हैं और अच्छे लगे हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि आज अपना फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं घर से बैठे बैठे। और साथ ही साथ अगर आपको हमारा कॉन्टेंट पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बिकॉज ऐसी वीडियोज को लेकर मैं पर डे आता रहता हूं। थैंक यू सो मच गाइस।